रोज के रूटीन वाले खाने को आज देंगे एक नया सा ट्विस्ट। घर में अक्सर हम यही बनाते हैं, दाल आलू रोटी, ये सब तो बनाते ही हो। तो इसके लिए टमाटर प्याज हरी मिर्च अदरक इस टाइप का चाहिए होता है, और नॉर्मल जो मसालदानी में हमारे पास मसाले होते हैं बस वही लेने हैं, कोई तामझाम नहीं करना। लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। यहाँ लिए मैंने आधी कटोरी हरे मूंग, जिससे हम स्प्राउट्स बनाते हैं। इसके साथ मैं ले रही हूँ आधी कटोरी चना दाल। इन दोनों को हम मिलाकर भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इसे अलग अलग बनाया जाता है, इसलिए मैं बिना टाइम खराब किए इसे इस तरीके से बना रही हूँ। इस हरे मूंग और चने की दाल को मैंने 2 घंटा पहले भिगो के रखा था, जो कि इस तरीके से फूल चुकी है। यहाँ देखिए, हरे जो मूंग होते हैं उन्हें मैंने कुकर में डाल दिया है, और एक भगोना छोटा सा लिया है जिसमें चना दाल डाल दिया है। दोनों में थोड़ा थोड़ा नमक और हल्दी पाउडर डालकर इन्हें 2 विसिल लगा लूंगी। ये देखिए, जब मैं इसे खोल के दिखा रही हूँ, दोनों ही दालें बहुत बढ़िया तरीके से पक चुकी हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि आज बना क्या रही हूँ। है वही घर के इंग्रेडिएंट्स, लेकिन थोड़ा सा जो ट्विस्ट दिया है वो कौन सा वाला ट्विस्ट है, वो है सिंधी ट्विस्ट, जिसे हम सिंधीज में इस रेसिपी को बोलते हैं दाल मूंग और कोकी। दाल मूंग कोकी, एक्चुअल जो सिंधीज कुजीन होता है वो बहुत ही कम फेमस है, और ज़्यादातर एक लिमिटेड चीज़ों से ही फेमस है, जैसे कढ़ी चावल को लेके, साई भाजी को लेके। लेकिन बहुत सारी ऐसी रेसिपी भी जो हैं जो लुप्त हो गई हैं, कई लोग जानते ही नहीं हैं उसे। तो आज ऐसा ही कुछ बनाने वाली हूँ। हाँ, पहले इसके बारे में नाम सुना है कि नहीं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दाल दोनों सॉफ्ट हो चुकी हैं, इन्हें थोड़ा अलग रखते हैं, इनका तड़का हम बाद में देंगे। पहले हम आलू जो है इसके साथ, इस दाल में ही आलू जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ 4 आलू ले लिए हैं, और इसे मोटा मोटा हम कट कर लेते हैं। छिलका मैंने नहीं हटाया है, क्योंकि जो नए आलू होते हैं ना उनका छिलका बहुत पतला होता है, और छिलके की वजह से ये आलू और ज़्यादा क्रिस्प बनते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई रखी है। ये आलू जो होते हैं डबल फ्राई होते हैं, तो मैं पहले जब फ्राई करूँगी तो बहुत ज़्यादा तेज गैस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इसे 80% पहले कुक करना है, बाद में हमें क्रिस्प करना है। पहले जो नॉर्मल फ्लेम है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए। एक चेंज और भी है, जब हम फर्स्ट फ्राई करते हैं तब हम क्या करते हैं कि ज़्यादा एक साथ ले लेते हैं, और जब सेकंड फ्राई करते हैं तो थोड़े थोड़े आलू को फ्राई करते हैं। अभी आलू क्योंकि बड़े बड़े हैं तो अंदर से फीके ना लगें, तो फ्राई करते टाइम थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, जिससे ये कुक भी जल्दी होंगे और अंदर तक फीके नहीं रहेंगे। एक साइड ये आलू कुक हो जाएं, तब तक हम दाल को तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने तड़के के लिए 2 चम्मच ऑयल लिया है, थोड़ा जीरा, हींग, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च, के इन दोनों को अलग अलग तड़का दे रही हूँ, और बाद में हरे धनिए से गार्निश कर रही हूँ। आपने देखा, आज तक की सबसे सिंपल दाल है ये। बस हींग जीरे का मैंने हल्का सा तड़का दिया है, और बहुत ही कम मसालों के साथ। और इसके साथ जो सर्व होने वाला है हरी चटनी, नॉर्मल जो हम घर में बनाते हैं, मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ। मीठी चटनी, प्याज लंबी कटी हुई, टमाटर बारीक कटे हुए, प्याज ऑप्शनल है, आप अगर नहीं खाते हो तो बिल्कुल स्किप कर सकते हो। ये जो लंबी कटी हरी मिर्च है, जिससे ये मिर्ची ना खाने में अच्छी लगे, बहुत खट्टी हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो ये सब हम बाद में सर्व करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, आलू को यहाँ पर हथेली से इस तरीके से हल्का सा प्रेस करते हैं, तोड़ना नहीं है, हल्का सा प्रेस, आप इस तरीके से भी प्रेस कर सकते हैं, और इसे डबल फ्राई करते हैं। अब जो करेंगे हम 4-4, 5-5 पीस और तेज आंच पे, क्योंकि वो सॉफ्ट तो हो चुके हैं, बस उसे एक बार और कड़क करना है। यहाँ पर आलू सॉफ्ट हो चुके हैं, उन्हें मैंने निकाल लिया है, मैंने एक मसाला बनाया है।
यहाँ मैंने लाल मिर्च लिया है 1 चम्मच, नमक लिया है स्वाद अनुसार, थोड़ा नमक हमने पकते टाइम भी आलू में डाला था, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर। नॉर्मल मसाले हैं जो मसालदानी में होते हैं, बस इसे इसी तरीके से बनाया जाता है। फ्राई किए हुए आलू को मैं एक कढ़ाई में डालती जा रही हूँ, वहाँ मैंने स्लो गैस जला लिया है, अब ऑयल नहीं डालना है, बस इन्हीं मसालों के साथ थोड़ा टॉस करना है। अब आप देखिए ये आलू है ना बिल्कुल डिफरेंट, बहुत अमेजिंग लगेंगे, आप किसी के साथ भी बनाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए नई नई रेसिपी देखने के लिए। अभी तो ये आलू हम बनाकर एक तरफ रख देते हैं, दाल हमारी तैयार है। अब हम देखते हैं कि हम आटे का क्या कर रहे हैं। आटे में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, नॉर्मल पराठा नहीं है, आपने पूड़ी पराठा रोटी बहुत खाई होंगी, बहुत स्पेशल है। आज जो मैं बनाने वाली हूँ उसे आप 2-3 दिन रख के भी खा सकते हो, बहुत बढ़िया बनती है। तो चलिए उसे बनाना शुरू करते हैं। गेहूँ का आटा, कोई मैदा वगैरह नहीं लेना है। 2 कटोरी मैंने गेहूँ का आटा ले लिया है, अगर आपका मन हो तो 1/2 कटोरी बेसन जरूर डालें, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है, कलर देता है, और नहीं डालना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। दोनों को मिक्स कर देते हैं। पहले हमें इसमें डालना है स्वाद अनुसार नमक, तो करीब 1 से 1.5 चम्मच जाएगा। नॉर्मल लाल मिर्च, कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी, ये डिपेंड करता है, अगर बच्चे खा रहे हैं या मिर्ची कम खाते हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच अजवाइन जिसे मैंने हाथों से क्रश करके रखा है, 2 चम्मच जीरा, कसूरी मेथी, घर की बनी हुई कसूरी मेथी, अनारदाना पुराने ज़माने से डालते आए हैं, अगर है तो डालिए नहीं तो स्किप कर दीजिए, खूब सारी हरी मिर्ची, काफ़ी सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इसमें डालेंगे प्याज, हमें चाहिए नॉर्मल कटा हुआ प्याज, और करीब मैंने 2 प्याज ले लिए हैं। इसमें डालेंगे ऑयल या घी, ऑयल से भी बहुत खस्ता बनती है, तो हम 4 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है, और बहुत हल्के हाथ से, कस के नहीं, ग्लूटेन रिलीज हो ये हमें नहीं चाहिए। जो ऑयल है और जो ये प्याज है, प्याज अपना पानी छोड़ेगा, ऑयल इसके साथ मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से अंदर बहुत मुलायम बनेगी और बाहर से खस्ता कुकी की तरह बनेगी, तभी पुराने ज़माने से इसका नाम कोकी बोला जाता है। इसे मिक्स करके 5 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, जिससे ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। 5 मिनट बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे इकट्ठा करके सिर्फ जोड़ रहे हैं, गूंथ नहीं रहे, कड़क हाथ से गूंथना नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसे पकाने का बिल्कुल अलग तरीका है। पहले तो इसकी 6 लोइयां बना लेती हूँ, बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, आप चाहें तो और बड़ी भी बना सकते हैं। मैंने दुनिया के बहुत सारे पराठे देखे होंगे, सबका अलग अलग होता है तरीका, लेकिन इसका तरीका बहुत ही अलग है। यहाँ देखिए मैंने एक लोई ली, थोड़ा सा सूखा आटा लेके इसको बेला, बेलने के बाद इसे मैंने तवे पर डाल दिया, तवे पर कुछ सेकंड पकाने के बाद दूसरी तरफ पकाया, फिर इसे उतार कर इसे वापस से मैंने जोड़ दिया। ये इसलिए किया कि जो प्याज होता है ना वो अंदर सॉफ्ट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, जब इसे लास्ट बेलेंगे ना दोबारा, तो दोबारा बेलते टाइम भी आप चाहें तो थोड़ा सूखा आटा ले सकते हैं, और जब हम तवे पर डालेंगे तो 2-3 बार ऐसे ऐसे करते हुए उसे झाड़ देंगे पूरा आटे को, और जैसे ही तवे पर डालेंगे तो नाइफ से या फोक से इसे थोड़े प्रिक्स जरूर करेंगे, जिससे ये जो पराठा है कोकी है वो अंदर तक पकेगी। लो टू मीडियम गैस पर पकेगी, और एक बात आपने नोटिस किया होगा, इसके जो किनारे हैं बिल्कुल गोल नहीं है, अनइक्वल शेप है, यही सही साइन है इस कोकी का। कुछ कुछ ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से ये कोकी बिल्कुल अनोखी है। एक और बात, आप इसे घी बटर या ऑयल से धीरे धीरे सेक सकते हैं, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मीडियम गैस पर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा भी लगाएंगे ना ऑयल, वो बहुत बढ़िया क्रिस्पी बनेगी, बहुत अमेजिंग, बहुत डिफरेंट है। कोकी में कुछ लगना ही नहीं है, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और आटा तो होता ही है, भले ही आप और मसाले ना डालो लेकिन ये बन जाएगी बहुत ही बढ़िया। इस कोकी को देखिए कितना बढ़िया है ना, मतलब ब्राउन जो स्पॉट्स भी आ रहे हैं ऐसे आ रहे हैं कि बिल्कुल बिस्किट की तरह, और इसे स्लो गैस पर ही पकाया जाता है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, मतलब यूँ लगेगा आपको कि हमने बेक की हुई है।
और आप इसे 2-4 दिन आराम से चला सकते हो, जबकि प्याज डला है फिर भी खराब नहीं होगी। मैं तो US तक ले गई हूँ। सिंपल दही के साथ खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो। चाय कोकी सिंधीज फैमिली में बहुत फेमस डिश है। जब भी कभी भूख लगे, रात को कुछ बना नहीं पाए हो, आज कहीं काम से आ रहे हो, देर हो गई, चलो चाय कोकी बना लेते हैं, तो ये कोकी आप बना सकते हो और इसे आप बिना प्याज के भी बना सकते हो। इसी तरीके से सारी कोकी को बनाएंगे हम। एक और बात, अब हम इसे सर्व करने जा रहे हैं। सर्व करने के लिए वैसे तो इस कोकी को किसी के साथ भी खाया जाता है, पर ये कुजीन कैसे एक्चुअल पूरा सर्व किया जाता है, जैसे दाल मूंग, कोकी, पापड़ भी होना चाहिए और साथ में दूध। दूध मीन छाछ होती है ना, नमकीन वाली, काली मिर्च डाल के, तो हमारे यहाँ दूध बोला जाता है। इसके साथ सर्व किया जाता है ये दूध। इसको इस तरीके से सर्व करिए जैसे मैंने सर्व किया है। लास्ट में 1 चम्मच शुद्ध घी का आप सिंपल गरम करके इसके ऊपर डाल दीजिए, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आपने देखा ना, चटनियाँ दोनों, प्याज, टमाटर, हरे धनिए की गार्निश और फिर वो मिर्ची नींबू वाली, और फिर इसके बीच में आलू डालकर इस तरीके से सर्व किया जाता है। आलू को साइड सब्जी की तरह नहीं खाया जाता है, आलू को दाल मूंग के साथ खाया जाता है और साथ में कोकी और वो मठा जिसे दूध कहते हैं, तो मजा ही आ जाएगा। मतलब सुबह अगर आप ये खा के निकलो, रात तक आपको पेट भरा रहेगा। बहुत अमेजिंग डिश है, आप ये जरूर ट्राई कीजिए। घर की चीजें हैं, बाहर कुछ जाना नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, कुछ मंगाना नहीं है, बस आप बना डालिए, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपके घर में प्याज नहीं चलता तो दाल में तो मैंने वैसे भी ऊपर से डाला है, उसे आप स्किप कर दें। कोकी बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए, बिना प्याज के बनाइए, बहुत बढ़िया बनेगी।